तो ये पराठे लग चुके हैं थाली में, ये यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हैं चारों के चारों। चलो पारी कर दो, पारी कर दो, पारी कर। हैं? ये एक तूफान आते हुए है ना नव्या, हेलो कर दे, हेलो। तो नव्या ने ये स्वेटर और नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ कुशल मंगल होंगे अपने घर में और यूं ही मजे से देख रहे होंगे हमारा ब्लॉग। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और आज नई शुरुआत में कुछ खास नहीं है, बट आज बनने जा रहा है भूरी रोटी, जिसको गेहूं की रोटी मतलब जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल है नाश्ते में जो भरी हुई रोटी बनाते हैं दालों के साथ, तो वही बन रहा है। तो रुचि पहली बार खाएगी तो दिखाते हैं कैसे बन रहा है, क्या मेकिंग है और कैसे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर रुचि बना रही है, रुचि क्या बना रही है? तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते से, नाश्ते में बन रही है आज दाल के पराठे। तो ये दाल तुझे पता है रुचि किस चीज की दाल है? नहीं। ये होती है गेहूं, जिससे उत्तराखंड में बोलते पथरी भी हटती है उत्तराखंड में, क्या ऑल ओवर उसमें बताते हैं कि इससे पथरी भी हटती है इसके पानी से। तो मैं है ना पहली बार बना रही हूँ दाल के पराठे, और पहली बार बना रही हूँ, पहली बार खाएगी है ना। माँ ने बोला था कि अभी तो बना भी नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा फट रहा है। मैंने बोला कोशिश करके देखती हूँ क्या पता बन जाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ। कोशिश तो अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है, बस साइड साइड से फट रहे हैं, थोड़ा देख के बनाना पड़ेगा। पहले तो रुचि बोल रही थी डबल रोटी करके बनाऊंगी है ना, है? वैसे लगा था मुझे शायद वैसे बनाते होंगे। नहीं, इसको भी वैसे बनाते जैसे आलू की रोटी बनाते हैं, आलू का पराठा, पर इसमें मसाला थोड़ा सही क्वांटिटी में होना चाहिए तभी मजा आता है ना। पराठे लग चुके हैं थाली में और इनके कारण सबसे आखिरी में खा रहे हो क्योंकि मैं नहाने में लेट हो गया। हाँ, ये नहाने गए थे क्योंकि जब तक फिर पराठे ठंडे होते तो इसलिए सबने खा लिया, तो अभी हम खा रहे हैं दोनों। तो बताओ कैसा हो रहा पराठे? पराठा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। भूरी रोटी तो अच्छी होती है। तो फिलहाल अभी मैं भी खा रही हूँ पराठे, मैंने एक दो बाइट ले लिया है, मस्त हो रहा है। और इसमें मिर्ची भी डाल रखी है, तो है मिर्ची भी हो रही है ना, मिर्ची भी हो रही है। हाँ, थोड़ी मिर्ची भी हो रही है, मजा आ रहा है चाय के साथ, चाय पराठे और घी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत। और आज हम आराम से खा रहे हैं खाना क्योंकि नव्या है जो सो चुकी है यहाँ पे, तो जब भी नव्या सो जाती है तो आराम से काम हो जाता है, आराम से खाना पीना हो जाता है। तो चलिए खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। बिल्कुल। तो अभी हम सुबह एकदम दाल के पराठे खा के यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हैं चारों के चारों, लेकिन धूप है नहीं, धूप चली गई अभी फिलहाल, दो मिनट पहले धूप थी अब चली गई है। और हमारे घर के सारे जेंट्स पार्टी सब निकल गए अपने अपने काम पे और हम यहाँ बैठे है बच्चों को लेकर। अभी तक दो है यहाँ पे, एक तीसरी आ रही है ना माँ। हाँ, तूफान तूफान आ रहा है, तूफान आने वाली है अब। जैसे देखना अभी हम चारों एक दिन शोर नहीं है, अब जैसे नीकू आ जाएगी ना हलचल कि सबसे ज्यादा शोर वही मचाती है, और उसके होने पे लगता है कि हाँ घर पे कुछ हो भी रहा है। हाँ, है ना। और ये हाँ, और ये मेरे मंगलसूत्र पे अटैक करती है हमेशा। वंशु यहाँ पे बोल हेलो, इधर पारी को, इधर यहाँ, उधर यहाँ पे कैमरा नहीं, हाँ चाची के तरफ पारी करो, पारी चलो पारी कर दो, पारी कर दो, पारी कर। हैं?
ये वेरी गुड। अच्छा नची नची करके दिखा दो, नची 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 ये गोल बोल से अब वो उधर देख रही है आपको, मेरे को देख रही है यहाँ पे बैठ के को देख रहा है। हाँ कर कर तू कर ना जी, अभी तेरी दीदी आने वाली है दीदी। अच्छा पिटाई अब देखते हैं दीदी क्या लेके आती है खाने के लिए। दीदी तब पिटाई भी करती है इनकी। हाँ दोनों के दोनों की दीदी तो घर की टीचर है ये दोनों की, कभी इसको चटाक लगा देती है कभी उसको लगा देती है। हाँ चलो अच्छा नची नची ओके रे नची नची बोल नची 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 और नची 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 गाना जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जा आ जा आ जा ये आ जा आ जा ले आती राजा लग गया आ जा। निकू यहाँ बता दो ओए कहाँ से आया, लाओ मैं खोलू लाओ मैं खोलूंगी लाओ लाओ। तो ये आ रखा है वंशु के लिए 40 सीट, आज इसमें निकू पीछे पड़ी है, वंशु बैठो बोलो बोलो वंशु को। तो अभी मैं आई थी बाहर आंगनवाड़ी में बच्चों के राशन लेने के लिए, तो घर के जस्ट दूसरी गली में है, तो अब यहाँ से जा रही हूँ दोनों के राशन लेके। तो इसमें नव्या और वंशिका का आता है राशन, निकू तो बड़ी हो गई अब उसका नहीं आता, बाकी इन्हीं दोनों का आता है। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे नव्या को धूप सिखा के, और आज हम दिन का खाना स्किप कर रहे हैं क्योंकि सुबह हमने इतना हैवी नाश्ता किया था, मैंने आपको दिखाया था हमने खाया था दाल के पराठे, तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, तो इसलिए हम आ गए नीचे। और माँ जाने वाली है घूमने के लिए, घूमने के लिए इन द सेंस कि माँ टहलने के लिए जाती है, मतलब वॉक पे जाती है दिन में, तो माँ का टाइम हो गया जाने वाली है। बाकी हम अपने अपने कमरे में आ गए नीचे आराम करने के लिए, और यहाँ पर मेरी नव्या है जो अभी फिलहाल में खेल रही है, नव्या अपने खिलौने को पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुंजू बच्चा ये गुंजू। दोस्तों अब ना इसका क्या बोलते हैं कपड़े चेंज कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि ये पलटने लगी है ना। अब मैं अभी फ़िलहाल इसने सुसु कर दी थी तो इसका सलवार चेंज कर रही थी, बाबा इसने तो तूफान मचा दी, और देखो बार बार पलटने के लिए बोलती है, अब मैं सीधा रखूँगी पलट जाएगी, सीधा रखूँगी पलट जाएगी। तो देखो अभी इसको नींद आ रही है, इसको सुला देते हैं। और ये थूक भी बहुत निकालती है आजकल, ये दुगी बाबा हो गया, दुगी बाबा तो उसको गुस्सा आ रहा है। तो चलो इसको सुलाती हूँ फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए डेमो देख ही सकते हो आप। और ये नेक्स्ट डे है सेम ब्लॉग वंशु और नव्या के साथ। सारी
यहाँ पे है वंशु, क्योंकि अभी भाभी जा रखी है निको को स्कूल से लाने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि जो नव्य के नानी ने नव्य के लिए उनकी स्वेटर्स बनाए हैं तो वो दिखाना। तो आज मेरे को याद आया, जब मैंने नव्य को ये स्वेटर पहनाया तो तब याद आया कि हाँ, मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना है कि क्या क्या नव्य के नानी ने नव्य के लिए बना रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया जो नव्य ने पहन रखी थी, येलो कलर की स्वेटर, सॉक्स और कैप था ये वाला कैप। बाकी नव्य को ही दिखाती हूँ, नव्य मेरे साथ ही है। तो ये है, ये देखो, ये नव्य ने ना पहन रखी है ना नव्य, हेलो कर दे हेलो। तो नव्य ने ये स्वेटर और इसके साथ सॉक्स भी दिखा दूँ, सॉक्स ये देखो, सॉक्स भी पहना है मैंने, बोल दो सॉक्स भी पहना है। तो नव्य ने सॉक्स भी पहन रखा है। तो नव यहाँ पे कि उसके अलावा मैंने बना रखा है एक और ये स्वेटर, मतलब ये कार्डिगन है। मैंने मम्मी को बोला था आगे बटन वाली बना देना, क्योंकि पहनाने में ना इजी होती है, तो इसलिए मम्मा ने ये बनाया है। इसके साथ फिर इस टाइप का कैप बना रखा है, ये वाली कैप, और इसके साथ ये देखो सॉक्स, सॉक्स भी बोल सकते हो इसको, शूज़ भी बोल सकते हो, है ना, इस टाइप का शूज़ है। उसके अलावा है एक ये वाला कैप, जिसमें ये साइड साइड में दो चोटी बनी है, और इसके अलावा है एक और ये वाला हैट, और एक और है ये पिंक वाला हैट। बाकी इसके अलावा है बहुत सारी सॉक्स, देखो एक ये है ना, एक ये, एक ये येलो कलर का है जिसमें मम्मी ने ये बो बनाया रखा है, बाकी एक ये है। तो ये सारी जो है जो मेरी मम्मा ने अपने हाथों से नव्य के लिए बना रखा है। उसके अलावा नव्य को गिफ्ट्स आए थे, तो गिफ्ट्स में भी उनके स्वेटर्स ही आए थे। तो उस दिन ये भी था, जिसमें से ये है एक, और इसके साथ ये वाला कैप है और सॉक्स है, और उसके अलावा है एक और बहुत ही स्वीट कलर में जो कि पिंक है, ये है। इसके साथ है एक ये कैप और ये सॉक्स। तो ये है सारी नव्य के वुलन के, वूल कलेक्शन है ना, वूल कलेक्शन विंटर के। तो जब भी मैं नव्य को पहनाऊंगी, मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, जैसे मैंने आज शेयर किया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड, आज का मतलब दो दिन का ब्लॉग एंड। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग, जो भी हमने दिन भर में जो भी कुछ किया कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और यूं ही हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहना। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।